ऑनलाइन और सोशल मीडिया के इस दौर में एक नहीं बल्कि कई तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। कई ऐप और वेबसाइट के जरिए जहां लोगों का अकाउंट खाली कर दिया जा रहा है और उनकी जानकारी चुराई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ गलत कर रहे हैं। इसी तरह एक युवती के साथ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए बड़ा फ्रॉड हुआ है। मामला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का है, जहां एक युवती के साथ फ्रॉड किया गया है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए एक युवक ने बांदा की युवती से दोस्ती बनाई। धीरे धीरे उसने युवती को अपने फर्जी प्रेम जाले फंसा दिया। युवती दिव्यांग थी और युवक उसको इलाज कराने के बहाने आगरा ले गया। वहां से उस फ्रॉड युवक ने लड़की को दुबई भेजा और फिर बेच दिया। बताते हैं कि पूरा मामला बांदा जनपद के मटौन थाना क्षेत्र अंतर्गत गोयरा मुगली का है। सुखबीर खान नाम है मेरा। ये कौन सा गांव है? ये गोयरा मुगली गांव है, जिला बांदा। क्या ये हमारी लड़की के साथ ये हुआ कि एनजीओ में काम करती रोड बैंक बांदा में, जब लॉकडाउन लगा तो एक गुजाय नाम का लड़का आगरा रहने वाला है, वो उससे फेसबुक के जरिए माध्यम से बात हुई। वो भी एनजीओ में जड़ा हुआ था। उसके बाद वो कहने लगे मेरी बुआ फूफा वहाँ रहती है दुबई में आप में, तो आप जो है आप जहाँ चले जाइए आपको इलाज भी हो जाएगा। तो उस मेरी लड़की से पहले यहाँ 1.5 लाख पे ठगा, सोने की जंजीर 12 ग्राम की थी, 2 ATM, 1 SBI का, 1 Bank of Baroda का, जो बिलांग पैसे आती थी वो वही पैसे उसमें जमा होता था। उसके बाद वो दोनों पासबुक और कुछ ओरिजिनल कागज ग्राम सर्टिफिकेट वगैरह जितने ओरिजिनल कागज थे ये सब ले लिया और वहाँ से पैसे भी मंगाता रहा। और उसको अपने बुआ से कहा कि इसको आने नहीं देना, वहाँ जो भी करना हो करो लेकिन यहाँ उसको आने न देना। फिर इसके बाद जब हमारी लड़की वहाँ गई, उसके बाद जिसकी घर में रहती थी नाजिया नाम है उसका, अगर वो भी फैमिली है, उसके पति का नाम फैज है, फैज अहमद, वो उसके बच्चे हुआ। जब 4 महीने 20 दिन का बच्चा हुआ, उसकी माँ एक दिन लगे कि शादी मैं उसको तैयार कर दो, मैं जैसे लगवा दूँ भैया को उमर नाम था लड़के का, बल्कि मेरी लड़की ने मना किया लेकिन वो उसकी माँ थी वो ले गई। पहले जैसे लगता है वो बच्चा नहीं होता अस्पताल में, दूसरे हाथ में बच्चा जो जो लगता है वो बच्चा रोने लगता है, रोते हुए लेके आई अपने घर और मेरी लड़की को देखे फिर अपनी ड्यूटी चली गई। वहाँ ड्यूटी को कुछ काम करती है, नौकरी करती है। उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद फिर लड़की ने फोन किया कि अब भी ये उमर नहीं रो रहा है, आप आ जाइए, खा उतर होगा, दूध ला दी थी। उसके बाद उस लड़की ने उसके साथ भी मौके पर थी, अंजुम सामा डे का नाम है उसका, मौके पर वो भी आगरा की रहने वाली है, वो भी मौके में थी अभी धाबी में घर में। उसके साथ में दोनों ने मिलकर दूध पिला बनाया, दूध दोनों ने मिलकर पिलाया। थोड़े दिन बच्चा सोलह चुप हुआ, उसके साथ ने कहा कि बेटा सुना दो दया दी, अब तो चुप हो गया। उसके बाद जब रात में ड्यूटी से आती है खाना कहते हैं कि चलो खाना खाएं, मैं यही लड़के ने कहा कि अब भी देखो बहुत देर उम्र सो रहा है, दिक्कत होता नहीं है। खैर उसने लड़की को देखा तो लड़का बिल्कुल मतलब बहुत कम हालत अच्छी नाजुक अच्छी नहीं थी, हालत ख़राब थी उसकी, उसके बदन नीला हो चुका था, हल्का नीला हो बदन हो गया था। उसके बाद वो लड़की औरत वो अपने बच्चों लेके वहाँ पहुँची अस्पताल भरी, जहाँ से जैसे लगवाए थे वहाँ हंगामा किया, उसके आदमी भी आ गया, पुलिस भी आ गई। थोड़ी देर में वो लोग चुप हो गए। ये सुनने में आया कि उनको कुछ रुपया डॉक्टर ने मुंह दिया है, फिर जो कि उस रात को जब बच्चा ख़त्म होता है उस रात को दूसरी रात को 2:30 बजे बच्चे देखे लोग आ रहे हैं अपने घर। पुलिस ने उनसे बयान लिया कि किसी पर शक है, तो कहा कि नहीं है हमें नहीं किसी पर शक नहीं है, ना डॉक्टर ना प्राइवेट ना सरकारी, कहा आपके घर में कोई रहता था? कहा कि हाँ एक इंडियन लड़की रहती है सयादी नाम की, वो हमारे फैमिली की तरह, उनको कोई शक कहा कोई शक नहीं था, लिख दीजिए। पुलिस से उन्होंने लिख लिया कि हम ना आगे किसी ऊपर कार्रवाई करना चाहते ना आगे करेंगे, लाया मिट्टी देकर ये लोग चले आए। कुछ दिन के बाद 10-12 दिन बच्चे के मरने के बाद इनका भाई नवीन पहुंचता है वहाँ पे आप था, और फिर मेरी लड़की को सोचना देने लगती है कि जो तुमने ध्यान नहीं रखा तुम्हारे बच्चे मेरा बच्चा मारा है, कुछ मनमुटाव हो गया। उसके बाद फिर माफ़ी मांगी, फिर बोले बच्चे में देना लगी। 57-58 दिन के बाद क्या हुआ कि उनके ऊपर क्या आफत आने वाली थी, वहाँ के कानून के मुताबिक कोई बगैर पोस्टमार्टम के जब बच्चा हो या बूढ़ा हो जवान हो मिट्टी नहीं दे सकते हैं, अगर किसी वजह से मौत होती है तो नॉर्मल मौत है, कोई बात नहीं वहाँ का ये कानून है। इनके ऊपर कोई बात आने वाली होगी या आ चुकी होगी, इन्होंने मेरी लड़की के ऊपर मारपीट की वीडियो बनवाई घर में, और ये कहो कि किसी के कहने से मैं एक लड़का मेरा भी वो इंडियन से जब जुड़ा हुआ था, पहले थे इंडिया में था लॉकडाउन में वो चला गया था अबू धाबी, वो
वही होटल में काम करता था पास में, कभी कभी मेरी लड़की खाना भी भेजता था वो होटल से। उसने कहा कि कहो कि मेरे आपसे कहने थे, दोनों लोग फंस गए।